एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग यानी कि गवर्नमेंट स्कूल की तरफ से दोस्तों चपरासी भर्ती का नोटिफिकेशन आज से लगभग 1 से 1.5 महीने पहले जारी किया गया था और हमारे चैनल के माध्यम से आपको सूचित भी किया गया था, आप लोगों ने फॉर्म भी अप्लाई किया था। आप लोग इंतजार कर रहे थे कि सर इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो रैंडम लिस्ट है वो कब जारी होगी, लेटर कब जारी होंगे। तो लीजिए दोस्तों, यहाँ पे जिला सहारनपुर की तरफ से दोस्तों आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो लेटर है वो जारी किए जा रहे हैं। किस डेट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, किस जगह जाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके चेक होंगे, ए टू जेड सारी जानकारी दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि जो सहारनपुर की चपरासी भर्ती है आपके इंटरमीडिएट कॉलेज में, उसका जो टेंडर है वो प्राइम क्लीनिंग सर्विसेज करके कंपनी जिसको टेंडर दोस्तों यहाँ पे मिला है। देखिए 1:45 पे दोस्तों ये हमको लेटर भेजा गया है और इस पर क्या मेंशन किया गया ध्यान से आप देख पा रहे हैं। महोदय या महोदया, आप द्वारा सेवा योजना पोर्टल पर प्राइम क्लीनिंग सर्विसेज के माध्यम से आउटसोर्सिंग पर सहारनपुर मंडल के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय हेतु वॉचमैन पद पर आवेदन किया गया था। उक्त दिनांक 6 अप्रैल 2024 को प्रातः 10 बजे साक्षात्कार की तिथि एवं समय निर्धारित किया गया है। यानी कि दोस्तों आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और जो आपका इंटरव्यू है वो आपका 6 अप्रैल 2024 को रखा गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए निर्धारित समय व तिथि पर उमा शुक्ला कन्या विद्यालय, ठीक है, जिया मऊ, ठीक है, 1090 सर्किल लखनऊ नियर राधा कृष्ण मंदिर में आवश्यक मूल प्रपत्रों के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करें। नियत तिथि एवं समय पर साक्षात्कार हेतु उपस्थित न होने पर यह माना जाएगा कि आप उक्त पद हेतु इच्छुक नहीं है, अतः आपका आवेदन निरस्त माना जाएगा। साक्षात्कार हेतु आपको कोई यात्रा भत्ता दे नहीं होगा, यानी कि आने जाने के लिए आपको स्वयं के खर्चे पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए प्रपत्रों का विवरण दिया कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है, तो ध्यान से देखिए समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र मूल रूप में, यानी कि दोस्तों ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो जो भी आपने लगाए थे, अनुभव प्रमाण पत्र यदि हो तो ले जाना है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए आधार कार्ड हो गया, पते का प्रमाण पत्र तथा उसकी स्वप्रमाणित छाया प्रति, ठीक है। नीचे आना, यहाँ पे देखिए फोटो पासपोर्ट साइज की 2, ठीक है, बैंक पासबुक अथवा कैंसिल चेक की छाया प्रति, ठीक है, जाति प्रमाण पत्र यदि आपका लागू हो, सेवा योजना पंजीकरण प्रपत्र, समस्त पत्रों की स्वप्रमाणित 1 सेट फोटो कापी। अब देखिए सबको आपको ओरिजिनल ले जाना है, सभी का आपको फोटो कापी दोस्तों एक एक मांगे आप 2-2 रख लेना, ठीक है, बाकी 3-4 फोटो अपनी रख लीजिएगा, ठीक है। ये तो हो गया आपका डॉक्यूमेंट, ठीक। अब देखिए इन्होंने जो आपको बुलाया वो आपको जाना कहाँ है, तो यहाँ पे एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, उमा शुक्ला कन्या विद्यालय, ठीक है, जिया मऊ, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है 1090 सर्किल लखनऊ नियर राधा कृष्ण मंदिर। तो दोस्तों लखनऊ आपको जाना है और नियर यहाँ पे दिया है कि राधा कृष्ण मंदिर, और इस विद्यालय में आपको दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है जहाँ पे कंपनी ने बुला रखा है। तो जिसने भी सहारनपुर के लिए फॉर्म अप्लाई किया था, तो ये आपका मेल है, ये हमारे एक जो सब्सक्राइबर हैं उनको आया था और उन्होंने हमको सेंड किया है। और यहाँ पर देखिए ये है इनका रिकी पॉइंटिंग, कुछ ऐसा इनका नाम है मेल पे, ठीक है। तो इनको ये आया था, इन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था हमारे माध्यम से, तो उन्होंने मुझे भेजा कि सर यहाँ पे देखिए इस तरह से लेटर हमारे जो है जीमेल पे आया है, तो ये बिल्कुल ऑथेंटिक है। 6 अप्रैल को इनका दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रखा गया है, तो जिसने भी फॉर्म अप्लाई किया है तो अपना इनबॉक्स भी चेक कर ले और अपना जीमेल खोल के चेक कर ले कि उनको मेल आया है कि नहीं है। अगर आया है तो आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चले जाएँ, ठीक है। तो ये इस तरह से अपडेट है दोस्तों, इसकी कोई भी लिस्ट यहाँ कंपनी वालों ने प्रोवाइड नहीं कराई है दोस्तों, और हमने बहुत कोशिश की पर लिस्ट नहीं मिल पाई, ठीक है। तो आप लोग फटाफट चले जाइएगा जो भी इसके लिए इच्छुक है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपको पैसे नहीं देना किसी भी हालत में, किसी भी हालत में किसी भी व्यक्ति को पैसे नहीं देना है। अगर वो कहता है कि हम आपको करा देंगे पैसा दीजिए, तो दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूँ कि पैसा नहीं देना है, काम हो चाहे ना हो, ठीक है, क्योंकि इसमें सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप पैसे देते हो आप स्वयं जिम्मेदार होंगे, बाद में पछताएंगे। मेरा आपको काम है आगाह करना, बताना, ठीक है। तो आप लोगों को अगर फ्री में नौकरी मिल जाती है, आप उसी डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं तो कर लीजिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर से ट्राई करिएगा, ठीक है, भर्ती आपकी आती रहेगी। चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। कोई दिक्कत प्रॉब्लम है, किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी, आप मुझसे डायरेक्टली बातचीत करना चाह रहे हैं, तो दोस्तों जो हमारा इंस्टाग्राम का लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ज्वाइन करके आप मुझसे डायरेक्टली बातचीत कर सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी और नए अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।